एकोंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर काल मूरत अजूनी सैव भंग गुरु प्रसाद जप आज सच जुगाद सच है भी सच नानक हसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। डियर स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी बेसिक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट भी है। फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। आपको क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिया है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। पहले तो इसको अरेंज करना है, पहले 6x² लिखेंगे, फिर उसके बाद माइनस 7x लिखेंगे, फिर माइनस 3 लिखेंगे, इक्वल टू 0 लिख देंगे। अरेंज ऐसे करना, पहले x² वाली टर्म होनी चाहिए, फिर x वाली टर्म होनी चाहिए, फिर कांस्टेंट होना चाहिए। अब हमारे पास क्या हो गई यहाँ पे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जरा ध्यान से देखिएगा, हमारे पास स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होगी, हमारे पास इन सभी का प्रोडक्ट आ रहा है, मेरे पास 18 लास्ट फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट 18 है, तो हम 18 के कुछ इस तरह से फैक्टर्स बनाएंगे कि प्लस माइनस करके 7 है, 9 2 18 होता, और माइनस 9x + 2x लिख दिया। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपने छोटी क्लासेस में करा भी हुआ, और ये माइनस 3 लिख दिया, फिर पहली दो टर्म्स में से 3x कॉमन हो गया, अंदर क्या रह गया 2x - 3, फिर इस टर्म से क्या कॉमन हो गया 1, अंदर क्या रह गया 2x - 3 = 0। अब ये पहली टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म हो गई, कॉमन क्या हो गया 2x - 3, और 3x + 1 रह गया, यानी आइदर 2x - 3 = 0 और 3x + 1 = 0। एक्स इज इक्वल टू यहाँ से आया 3/2, यहाँ से x इज इक्वल टू -3 1/3 आया, मीन्स पहला x इज कॉल्ड अल्फा, पहला जीरो ऑफ पॉलीनोमियल, ये क्या हो गया बीटा, ये आपका अल्फा बीटा निकल गया, इनको जीरोज कहते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको निकालने के लिए बोला है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। जीरोज तो ये हो गए हैं अल्फा और बीटा और जीरोज, कोफिशिएंट क्या हो गए हैं, एक्स स्क्वायर के साथ ए लगा है, एक्स के साथ जो लगा वो बी है, एक्स स्क्वायर के साथ 6 है तो वो ए हो गया, एक्स स्क्वायर के साथ -7 है तो वो बी हो गया, और थर्टी चीज क्या होगी कॉन्स्टेंट, वो सी हो गई। और अब हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट कुछ इस तरह से है, सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ये ए बी सी हमारे कॉफिशियंट्स हैं, फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। मैंने यहाँ पे अल्फा की वैल्यू फिल करी, बीटा की वैल्यू फिल करी, फिर ये वाला माइनस लिखा, b की वैल्यू -7 है, a की वैल्यू 6 है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा लिखा बीटा लिखा, फिर उसके बाद c है -3 और a है हमारे पास 6। अब हमने क्या करना है, आप देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आई, देखो इन दोनों को सॉल्व करा तो -+7/6, इस तरफ भी 7/6 आया, इस तरफ 1 -1/2 आया, और इस तरफ भी सॉल्व करके -1/2 आया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई है, क्वेश्चन खत्म हो गया। मीन्स पहले हमने जीरोस निकाल ले क्वेश्चन में अल्फा बीटा की वैल्यूज, फिर हमने रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशियंट निकाल ले, ये जीरोज हो गए, ये कॉफिशियंट हो गए, जीरोज एंड कॉफिशियंट के बीच का रिलेशनशिप निकालना, ये क्वेश्चन खत्म हो गया।